हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो क्लास 9th इंग्लिश का जो एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ, पोइट्री सेक्शन से हमारा पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री। सो ऑन किलिंग अ ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पोइट के बारे में जानेंगे। जो आप स्क्रीन पे अपनी ये पिक्चर देख रहे हो, ये जीव पटेल की है जिन्होंने ये पोएम जो है लिखा हुआ है। सो अबाउट द पोइट पहले हम पढ़ लेते हैं। सो अबाउट द पोइट जीव पटेल, ही वॉज बॉर्न इन 1946, तो 1946 में पैदा हुए थे मुंबई में। इज़ अ पोएट हैं ये, प्ले राइटर हैं, पेंटर हैं और डॉक्टर बाई प्रोफेशन। सो इज़ अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन और साथ में ये पेंटिंग का, प्ले राइटिंग का और पोइट्री का काम करते हैं, पोइट्री लिखने का। ह्यूमन बॉडी इज़ अ रेकरेंट थीम इन हिज पोएम्स। तो इंसान, ह्यूमन बॉडी मतलब इनका जो मेन फोकस रहता है वो इंसान के ऊपर रहता है, ह्यूमन्स के ऊपर रहता है। हैंस ही इज़ कॉल्ड पोएट ऑफ द बॉडी, इसीलिए उनको पोएट ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। उनके कुछ काम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मिररिंग एंड हाउ डू यू विथस्टैंड बॉडी। सो दीज आर सम ऑफ हिज फेमस बुक्स। सो ये बेसिक डिटेल थी अबाउट द पोएट। अब हम पोएम को जो पढ़ते हैं लाइन वाइज, उसके बाद आई एक्सप्लेन इट टू यू बाई स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करूँगा। सो इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला स्टैंजा, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, दैट मीन्स नॉट अ सिंपल जैब। जैब क्या होता है, एक जैसे आप चाकू पकड़ते हो और एक 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 पहला आप वार करते हो, ठीक है। जैब इसकी वर्ड मीनिंग्स जो एट द एंड में मैं आपको क्लियरली डिफाइन करूँगा, अभी आप पोइट्री पढ़ेंगे। तो कहता है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब। अब अगर इसको एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले स्टैंजा को। सो पहला स्टैंजा, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट सेज, पोइट क्या कहता है, दैट अ सिंपल कट डज नॉट डिस्ट्रॉय अ ट्री। एक ट्री को अगर आप सिंपल कट मारोगे तो वो क्या नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू किल इट, एक पेड़ को अगर आपने पूरे तरीके से ख़त्म करना है तो उसे काफ़ी वक्त लगता है। अ सडन रफ ब्लो, अचानक से एक चाकू से आप उसको एक झटका दे दो, एक कट मारो, उससे क्या होगा, विल डू नथिंग, वो ज़्यादा उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। बिकॉज इट हैज़ ग्रोन अप, क्योंकि ये एक रात में या एक दिन में नहीं बना, इट हैज़ ग्रोन अप स्ट्रॉन्ग बाई कंज्यूमिंग, क्योंकि उसने क्या क्या लिया है, अर्थ, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। जस्ट अब देखो, मैंने शुरू में बताया ही इज़ अ ह्यूमन बॉडी का पॉइंट, तो इंसान जब पैदाइश से लेकर जब वो बड़ा होता है, जवान होता है, तो वो स्टेजेस में तैयार होता है। फर्स्ट स्टेज बचपन से, फिर बड़ा होता जाता है, फीड मतलब खाना पीना खुराक। वैसे एक ट्री जो है वो बनता है जब है, तो अर्थ से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है, इट ग्रोज अप, बड़ा होता है, राइजेज फ्रॉम द क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट से ऊपर निकलता है, और उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्बिंग, ऑब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। तो क्या क्या चीज़ें, अब आपको पता ही है कि सनलाइट, एयर, वाटर, दीज आर द सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स और जो चीज़ लेकर पेड़ जो है वो तैयार होते हैं। इन सिंपल वर्ड, इट टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री, एंड फ्रॉम द इट्स डिसकलर्ड एंड अनइवन बार्क द ब्रांचेस एंड लीव्स कम आउट। तो क्या होता है, फिर जब वो बड़ा होता है उसके बाद उसके जो स्टेम से है वहाँ से ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो बनकर तैयार होते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ अ ट्री इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड, और बताना चाहता है कि जिस चीज़ को बनने में इतना वक्त लगता है, वो एक ज़मीन से ऊपर निकलता है, फिर बड़ा होता है, फिर ब्रांचेस, तो उसको एक सिंगल ब्लो जो है वो कुछ नहीं कर सकता, इट कैन नॉट डू एनीथिंग, उसका उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। सो ये वाला हमने पढ़ा, सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बॉस, BOUGHS, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। तो
तो ये बताया प्रोसेस कि भाई आपकी जो छोटे मोटे घाव उसको देना है वो कुछ नहीं करेंगे, आप उसको चॉप करेंगे, हैक करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी उस चीज़ से। ठीक है, ब्लीडिंग बार्क, जब आप बार्क तनाक को मतलब चाकू से मारोगे तो उससे आप देखोगे एक कुछ वाटरी सब्सटेंस जो है वो निकलता है। ठीक है, जस्ट लाइक इंसान को जब कट लगे वो ब्लीड होता है, और फिर से एक आप देखोगे उसी जगह से एक ग्रीन ट्विग निकलेगी जो बाद में जाकर फिर से क्या होगा, विच अनचेक्ड अगर आप उस पर नज़र नहीं रखेंगे फिर से एक्सपैंड होके वो फिर से बड़े पेड़ में तैयार हो जाएगा। अब इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं हम स्टैंजा टू को, सो इन द सेकेंड स्टैंजा द पॉइट सेज, पॉइट क्या कहता है कि सिर्फ कटिंग द ट्री रफली बाई स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज एंड चॉपिंग वोंट डू इट, सिर्फ कटिंग और चॉपिंग से नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचेगा। सो इतने बड़े पेड़ को छोटे मोटे घाव से कुछ नहीं होगा, इट विल नॉट फील एनी पेन, ना ही उसको कोई दर्द तकलीफ होगी, एंड इट्स ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो उसका बार्क है जो तना जो ये होता है ना, ये स्टेम स्टेम के बाहर से एक छाल होती है, ठीक है, तो उसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो ब्लीड करेगा थोड़े टाइम, उसके बाद फिर से वो हील कर जाएगा, वहीं से फिर एक ट्विग निकलेगी छोटी सी, और बाद में जाके वो एक बड़े से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ब्रांच में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा जैसा कि वो पहले था। सो इट कट फ्रॉम द बॉटम, अगर क्या कहता है, इफ़ वी कट फ्रॉम द बॉटम, अगर हम उसको नीचे से काटेंगे, दैट इज़ फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड से, द कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, अगर मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मान लो यहाँ से आपने काट दिया तो पीछे इस तरीके का एक पार्ट बच जाता है, ठीक है, इस तरीके का पार्ट बच जाता है, जब आप उसको छोड़ दोगे ना, अगेन यहाँ से थोड़ी थोड़ी उसकी ना ट्विग्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता अगर आप नहीं देखोगे वो फिर से एक बड़े से पेड़ में तब्दील होकर तैयार हो जाएगा। सो यही चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो विल यहाँ पर क्या बोला, द कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स विल स्टार्ट ग्रोइंग विद मिनी ब्रांचेज, छोटे छोटे ब्रांचेज के साथ कमिंग आउट ऑफ इट, एंड इफ दे आर अनचेक्ड, अगर उनके ऊपर नजर ना रखी जाए तो दे क्या होगा, दे विल एक्सपैंड, वो बढ़ेंगे और अपनी नॉर्मल फॉर्मर साइज में, पहले के साइज में जो है तब्दील होकर आ जाएंगे। सो दो स्टैंजाज की एक्सप्लेनेशन बता दी, अब नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अब ये बता रहा है पॉइंट यहाँ पे कि क्या करना है, इफ़ यू हैव टू टोटली डिस्ट्रॉय अ ट्री यू हैव टू वर्क ऑन द रूट्स, यू हैव टू पुल आउट द एंकरिंग, जो एंकर जो खुंडा बन के जो पकड़ बनी हुई है अर्थ से उसको निकालना है, इट इज़ टू बी रोप्ड, उसको पहले बांधना है टाइड एंड रस्से से टाई करना एंड पुल्ड आउट और खींचना है, ठीक है, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरे तरीके से उसको ज़मीन से निकालना है, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव क्या बोला, मान लो ये अर्थ है, इसमें जो ट्री होता है ना, जब यहाँ से अपरूट करेंगे ना आपको ये हॉलोनेस यहाँ पे मिल जाएगी, ये अर्थ केव बता दिया पेड़ के निकलने के बाद, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और फिर उसकी ताकत का पता चलेगा कि वो पेड़ जो था वो क्यों इतना मजबूत था, क्योंकि उसकी जड़ें जो थी वो पेड़ में वो ज़मीन में क्या थी, एकदम से पकड़ बना के रखी हुई थी, द सोर्स वाइट एंड वेट, जो सोर्स था वो वाइट था वेट था, ठीक है, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो चीज़ जो सबसे मजबूत थी वो पेड़ के नीचे छुपी हुई, ज़मीन के नीचे छुपी हुई थी। सो अगेन तीसरा स्टैंजा, इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा द पॉइंट ऑफ यूज द अटर्स द वर्ड, क्या वर्ड यूज कर रहा है, नो बिकॉज जस्ट अ स्मॉल कट विद अ नाइफ और चॉप, हमने पहले बोला एक कुल्हाड़ी से एक कट नाइफ वो नहीं कर सकता उसको कुछ, सो नाउ ही सार्केस्टिकली और आयरनिकली एक्सप्लेन करता है स्टेप्स कि कैसे एक ट्री को किल करना है, तो टू द रीडर्स द आयरनिकली ही आयरनिकली सेज दैट टू किल अ ट्री, अगर एक ट्री को आपने करना है काटना है या मारना है, द फर्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा, रूट्स हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम इट्स एंकरिंग होल्डिंग, सबसे पहले उसकी जड़ें निकालनी पड़ेंगी, दैट इज इट्स मदर, वही उसकी मदर है रूट्स, क्योंकि वही उसको फीड कर रहे हैं जहाँ से उसको क्या हो रहा है, द ट्री होल्ड्स टाइटली एंड सिक्योरली, ही सेज दैट इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट एंटायरली, कहता है पूरे तरीके से उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, हैज़ टू टेक आउट एंटायरली, और उसके बाद और टाइड अप विद अ रोप
एंड देन चॉप्ड इन टू पीसेज, टुकड़ों में उसको काटना पड़ेगा. एंड वंस, और एक बार अ ट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव से जब सेपरेट कर दिया, देन द सोर्स, जो रूट्स हैं हमारे, विच इज़ वाइट एंड वेट, विच द मोस्ट सेंसिटिव और हिडन पार्ट ऑफ द अर्थ, यहाँ से क्या होगा, ऑफ द ट्री इट इज़ एक्सपोज आउट एंड देन द ट्री लूजेज इट्स स्ट्रेंथ. और उसके बाद जब ये जड़ के समेत, ये जड़ें जब बाहर आ जाएंगी अपने केव से, तो ये एक्सपोज हो जाएंगी और एक ट्री जो है वो, आप ट्री को मारने में कामयाब हो जाओगे. इन द, अभी लास्ट स्टैंजा भी मैं आपको बताता हूँ, ये लास्ट स्टैंजा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन. तो जब जड़ें निकल जाती हैं बाहर, फिर उसके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट होता है, सूरज का, हवा का, उसको ब्राउन कर देती हैं, सख्त कर देती हैं, ट्विस्ट कर देती हैं, इस तरीके से. ये देखो, विदरिंग एंड विदरिंग, वेयर टेयर हो जाना, एंड देन इट इज़ डन. और उसके बाद जाके एक पेड़ जो वो मरना मर जाता है. ये देखो, इन द लास्ट स्टैंजा द पॉइंट सेज दैट वंस द ट्री हैज़ बीन अप्रूटेड, एक बार अप्रूड आपने कर लिया, इट ग्रेजुअली विदर्स एंड ड्राइज अप ड्यू टू द सन एंड विंड, इट टर्न्स इनटू ब्राउनिश कलर एंड हार्डन्स, ट्विस्ट एंड फाइनली शेड्स ऑफ इट्स स्किन अंडर डिफरेंट वेदर कंडीशंस, जो मैंने बता दी, एंड देन द प्रोसेस इज ओवर, नाउ दैट द ट्री इज किल्ड कंप्लीटली एंड नथिंग इज लेफ्ट. इसका कंक्लूजन क्या है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं दैट द पॉइट जीव पटेल डिस्क्राइब्स द क्रुएलिटी ऑफ मैन इन किलिंग और डिस्ट्रॉइंग अ ट्री विद आयरनी एंड कन्वेज अ मैसेज दैट ट्रीज आर एन एसेंशियल. अब यहाँ पे मैसेज क्या जा रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि जब हम पेड़ काटते हैं, एक इंसान जब पेड़ काटता है, वो ही नेवर थिंक्स, वो सोचता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि, मतलब एक ट्री जो है, ये कटिंग, ट्री कटिंग का प्रोसेस जो है, इसको इसने सार्कास्टिकली एक मजाकिया किस्म से समझाने की कोशिश की कि ट्रीज आर नॉट जस्ट द थिंग कि ऐसे ही कोई चीज़ है, बस आओ काटो और चले जाओ. इट टेक्स मच टाइम टू ग्रो अ ट्री, और उसे वक्त लगता है, वो ज़मीन से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है. तो मैसेज यहाँ पे ये जा रहा है कि सिंपथाइज कर रहा है वो ट्री के साथ और नेचर इन जनरल. तो उसको जो हम दिन ब दिन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको, सेल्फिश ह्यूमंस जो हैं उसको रोकें, ये मैसेज इस पोइट्री से जा रहा है हमें. ठीक है, अभी एक और रिलेशन में भी इसका भी मतलब और भी निकलते हैं बहुत सारे. इफ़ आई टेल यू कि ह्यूमन शेप में, अगर मैं ये बताऊं कि एक इंसान जो है, अभी दिस इज़ माई ओन एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, जस्ट लाइक अ ट्री, एक इंसान जब पैदा होता है तो वो ऐसा नहीं है कि पैदा होके सीधा वो जवान हो गया, है ना, ही गोज़ टू स्टेप, स्टेप वाइज उसको एक एक फीड करके उसके ऊपर मेहनत लगती है, वो जवान होता है, उसके बाद उसके पास ताकत, सोर्स जो आती है. तो एक इंसान को ये हमेशा सोचना चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ों से एक इंसान जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता है. ठीक है, हम लोग जो छोटी मोटी परेशानियाँ, दुख दर्द से, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वी आर स्ट्रांग इनफ टू फाइट ऑल दोज सिचुएशंस एंड गेट ओवर इट. तो ये भी एक मैसेज निकल सकता है. तो फॉर बीइंग, अभी तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें बताई, पॉइंट का व्यू बताया कि हाउ ही इज़ स्प्रेडिंग द मैसेज नॉट टू कट द ट्रीज, बाय सार्कास्टिकली ये चीज़ आपके सामने रखी है. सो थोड़ा सा वैकेबलरी के ऊपर चलते हैं. अब हम कुछ वर्ड्स, जैसे जैब, जैब का मतलब है टू हिट समथिंग फोर्सफुली, जोर से मारना. फिर होता है क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, एब्जॉर्ब, टू टेक समथिंग इन स्लोली, कंज्यूम करना, आपको पता है, यूजिंग फ्यूल और एनर्जी. देन लेप्रस, हाइड, डिसकलर्ड बार्क, जिसका ऐसा पेड़ के ऐसी छाल जिसका रंग जो है वो फीका पड़ जाता है. स्प्राउट, टू प्रोड्यूस लीव्स, लीव्स यहाँ से छोटा सा स्प्राउट निकलता है, फिर वो लीव्स में कन्वर्ट होते हैं. हैक, कट रफली बाई श्रिंकिंग हैविली, स्ट्राइकिंग हैविली, सॉरी. Then chop, cut in pieces, टुकड़ों में काटना. Bleed, to lose blood, यहाँ पर पेड़ को जब काटते हैं उसमें से पानी निकलता है. Heal, to become well again, दोबारा से बेहतर हो जाना. Bark, outer cover of a tree. Then miniature boughs, मतलब small branches, ठीक है, former size, मतलब पहले की तरह. Anchoring earth means trees are held securely with the help of roots in the earth, ये भी हमने किया. Then snapped out means chopped out, काट के बाहर निकाल देना. देन रोप्ड मीन्स टाई अप विद अ रोप पुल. रिमूव सेंसिटिव, मतलब डेलिकेट, एंटायरली, कंप्लीटली, मैटर, सिचुएशन. देन स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, द डाइंग अप ऑफ द ट्री, स्कॉर्चिंग एंड अपरूटेड ट्री का. हार्डनिंग, टू बिकम हार्ड. ट्विस्टिंग, टू टर्न विदर, टू बिकम वीक, फेड अवे, ड्राई अप, सूख जाना.
सो दिस वॉज इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. प्लीज़ नोट दिस डाउन, ये जो वैकेबलरी है इसको नोट करना ज़रूरी है. एंड क्वेश्चन आंसर्स आप में कोई भी इशू आएगा फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू.